में करनई गांव में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में मंगलवार की शाम सूफी गायक कैलाश खेर ने भजन के अलावा तेरी दीवानी, तूने क्या कर डाला, अल्लाह के बंदे आदि गाने सुनाकर महफिल में शमा बांध दिया। श्रोताओं की मांग पर कैलाश ने कई गीत सुनाए। उन्होंने भोजपुरी गीत हर आदमी के, लेला जिनगिया इम्तहान सुनाई तो श्रोताओं ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। देर रात तक लोग कार्यक्रम का आनंद उठाते रहे। हमारे देश में जिस तरह से आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न पहला पूछा था कि शिक्षा जो है वो उन्मूलन कर देगी बहुत सारी समस्याओं का। देखिए, जब हम शिक्षित होते रहते हैं तो हम सिर्फ कागजी शिक्षित नहीं होते, जब शिक्षित होते हैं तो हमें जीने का तमीज आती है, बड़ों का आदर करना आता है। अच्छा, ऐसे शिक्षण संस्थान खुलें कि विदेशी लोग भी आके, जैसे हमारे वैदिक काल में गुरुकुल होते थे, मतलब गुरुओं से शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं सीखी जाती थी, शारीरिक व्यायाम भी होते थे, संस्कृतों के वेदोच्चार होते थे, और उसके बाद जब वो बड़ा होकर बालक होता था तो ऐसा लगता था जैसे किसी राजा का बालक हो, जबकि वो सामान्य लोगों का भी बालक होता था, क्षत्रियों के बालक होते थे, व्यापारियों के बालक होते थे। तो इतना, क्योंकि हुनर तो किसी में भी आता है।